फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चिकन तंदूरी, वो भी बिना तंदूर के लेकिन बिल्कुल तंदूरी वाला टेस्ट। और ये रमज़ान के लिए मैंने खास डिश अपलोड की है, तो आप इसे इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चिकन तंदूरी बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, जिसे मैंने इस तरह से डीप कट लगा लिया है, वॉश कर लिया है अच्छे से और कट लगा लिया है, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से अंदर तक जाए। और ये मैंने 1 कप ले लिया है गाढ़ा दही, और 1.5 टेबल स्पून मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक एज़ पर टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है, और अमूल बटर ले लिया है फ्राई करने के लिए। अब हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर देंगे। हम उसमें ऐड कर देंगे गाढ़ा दही, साथ में ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। गाढ़ा दही मैंने इसलिए लिया है ताकि जो पानी रिलीज़ होगा मसाला मैरिनेट होते वक्त, वो नहीं होगा और मसाला हमारा पूरी तरह से अच्छे से मैरिनेट होगा। और साथ में ऐड कर देंगे हम सभी पाउडर मसाले और नमक, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, ताकि कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आए और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। और ये अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, जो हमने कट लगाए थे उसमें भी हम मसाला पील कर लेंगे इस तरह से, ताकि मसाला जो है वो अंदर तक जाएगा तो चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। और अब हम इसे रख देंगे रूम टेम्परेचर पे 1 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए। 1 घंटे तक हम इसे मैरिनेट होने देंगे। और ये देखिए, 1 घंटे तक मैंने इसे मैरिनेट कर लिया है, और फिर से हमने इसे एक मिक्स दे दिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन गरम करने रख दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब तेल, और साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा बटर, और अब हम मीडियम फ्लेम पर चिकन को फ्राई कर लेंगे। ओवर क्राउड हम नहीं करेंगे, जितने एक टाइम में आते हैं पैन में उतने रख देंगे, और हम इसे 4 से 5 मिनट तक एक तरफ से पकने देंगे, देखिए इस तरह से ग्रिल मार्क्स आने तक, और फिर हम चिकन को टर्न कर लेंगे। और जब हम चिकन को टर्न कर लेंगे तो हम फिर से इसे 4 से 5 मिनट तक दूसरी तरफ से भी पकने देंगे, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल मार्क्स भी आ जाए और चिकन भी हमारा टेंडर हो जाए। देखिए, अभी हमें मीडियम फ्लेम पर ही दोनों तरफ से 4 से 5 मिनट तक के लिए ग्रिल मार्क्स आने तक पका लेना है। और ये देखिए, दोनों तरफ से हमने इसे पका लिया है और बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रिल मार्क्स भी इस पर आ गए हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारी चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और चिकन तंदूरी बनकर रेडी हो गया है। और बाकी के चिकन को भी हम इसी तरह से फ्राई करना है, तो हम उसे भी फ्राई कर लेंगे सेम प्रोसेस में, 4 से 5 मिनट तक एक तरफ ग्रिल मार्क्स आने तक, और दूसरी तरफ से भी 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि ग्रिल मार्क्स नहीं आ जाते, क्योंकि हमने चिकन के पीसेस बड़े लिए हैं तो ये थोड़ा टाइम लगेगा पकने के लिए। और ये देखिए, बाकी सारे चिकन को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और अब हम इसमें देंगे स्मोकी फ्लेवर। उसे देने के लिए मैंने चारकोल गरम करने रख दिया है, ये कोयले का एक पीस ले लिया है मैंने, उसे हम अच्छी तरह से गरम होने देंगे। और जो हमने तंदूरी बना लिए हैं उसमें हम ऐड कर देंगे ये कोयला एक छोटी सी प्लेट में, और उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा तेल, ताकि उसमें से जो है स्मोक निकलने लगे, और जल्दी से हम ढक्कन को बंद कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे, ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए और जो तंदूरी का टेस्ट होता है वो भी आ जाए। और ये 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसे रहने दिया है। अब हम इसमें से जो ये प्लेट है वो निकाल लेंगे, और ये बिल्कुल हमारा तंदूरी वाला चिकन बनकर रेडी हो गया है घर पर, वो भी बिल्कुल झटपट। अब हम इसे सर्व कर लेंगे प्याज के साथ और नींबू के साथ और ग्रीन चटनी के साथ। और आप इसे इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें, और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।